क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप कुछ ही हफ्तों के बाद शुरू हो जाएगा। हर 4 साल के अंतराल पर खेले जाने वाले इस क्रिकेट इवेंट पर हर क्रिकेट प्रेमी की निगाहें होती हैं। इंग्लैंड के ओवल में 30 मई को मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के साथ ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी। 46 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का फाइनल 14 जुलाई को खेला जाएगा। अब हर खिलाड़ी अपने अपने देश की टीम के लिए खेलकर ही खिताब जीतना चाहता है, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज। अब इस खिताबी जंग के बीच कुछ अनोखे रिकॉर्ड भी बनते हैं, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाजों में क्रिकेट के भगवान नंबर 1 है। सचिन ने कुल 45 मैच खेले हैं, इसमें उन्होंने 56 के औसत से 2,278 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप में सचिन का स्ट्राइक रेट 38 का रहा है। सचिन के रनों में 6 शतक और 15 अर्धशतक शामिल है। तो वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और पंटर के नाम से मशहूर रिकी पोंटिंग ने वर्ल्ड कप में 46 मैच खेले हैं। पोंटिंग ने 45 के औसत से 1,743 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप में पोंटिंग के 5 शतक और 6 अर्धशतक शामिल हैं। तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज टीम के ब्रायन लारा हैं। कैरिबियन क्रिकेटर ने वर्ल्ड कप में 34 मैच खेले हैं। लारा ने 42 के औसत से वर्ल्ड कप में 1,225 रन बनाए हैं, इसमें 2 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। तो वहीं 14 नंबर पर श्रीलंका के बल्लेबाज सनत जयसूर्या का नाम आता है। श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या वर्ल्ड कप में इस क्रम पर 4 नंबर पर है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। जयसूर्या ने 38 मैचों में 34 के औसत से 1,165 रन बनाए हैं, इसमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है। बल्लेबाजों की इस दौड़ में 5वें नंबर पर जैक कैलिस का नाम आता है। दक्षिण अफ्रीका के इस ऑलराउंडर ने वर्ल्ड कप में 36 मैचों में 1,148 रन बनाए हैं। कैलिस का औसत 45 का रहा है। वर्ल्ड कप में कैलिस का स्ट्राइक रेट 74 रहा है। कैलिस के नाम वर्ल्ड कप में 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है।